कोई भी चीज़ जो जिसे आप सक्सेस कहते हैं वो एक या दो दिन की जर्नी नहीं है। आज मैं बेंजी के साथ वॉक पे आया था और सिर्फ बर्नआउट की बातें सोच रहा। डोंट वर्क विद द पीपल हु आर कॉजिंग एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। जब हम ये बातें समझेंगे तब तक हम में से बहुत लोग बहुत बार बर्नआउट हो चुके होंगे। My name is Abhi Arya, father of two girls, six dogs, husband to a superwoman, a streetcar racer turned hotelier, then marketer and founder of Internet Moguls. What up, Internet Moguls? Good morning again, ladies and gentlemen. आज burnout की बात करेंगे। होता क्या है ये burnout? और कब होता है? उसको कैसे recognize करो? और जब हो तो क्या करो? Ladies and gentlemen, हम लोग सब एक अजीब सी दौड़ में फंस गए हैं। इतना सब एक दूसरे को देखकर कि कोई आगे निकल गया है, कोई शायद हम पीछे ना रह जाएं, और इतनी सारी सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट की इतनी सारी किताबों को पढ़ पढ़कर हमें लगता है कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं कहाँ रह गया, मैं पीछे रह गया। फिर हम अपने आप को ऐसी दौड़ में भगा लेते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता क्या करना है। छुट्टी लेने का मन करता है, बॉडी कहती है मैं थक रही हूँ, रात को नींद ठीक तरह नहीं आई, फिर भी सुबह उठना है, सुबह की मीटिंग रखनी है, बिकॉज कैलेंडर जितना फुल होगा उतना मैं सक्सेसफुल बनूंगा। दूसरों का कैलेंडर देखो, हसल 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 करते 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 हम थक जाते हैं। फिजिकल बॉडी पहले थकना शुरू करती है और साइन देना शुरू कर देती है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, पानी पीने का मन नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें होती है, दोस्तों से मिलने का मन नहीं करता, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर ये चीज़ दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है, सर दर्द होने लग जाता है, और फिर धीरे 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 लगता है कि मैं काम पे जा भी रहा हूँ लेकिन खास कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आई एम फीलिंग बर्नड आउट, बस हो गया, मेरे में जितनी रस्सी में जितना बल था वो ख़त्म हो गया। उसके बावजूद कभी कभी हम उसको रिकग्नाइज नहीं करते और काम पर जा रहे होते हैं। फिर हमारे कोई अच्छे स्कूल में, हमारे काम पर कोई कॉलिग्स बोलते हैं क्या हो गया भाई, यू आर नॉट द सेम, व्हाट हैज हैपेंड टू यू। फिर जाके रियलाइज होता है कि ये एक टर्म है जिसे कहते हैं बर्नआउट। इसको पहले आने से पहले समझ लो गाइस। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, व्हेन यू आर फीलिंग बर्नड आउट, लेट मी टेल यू वन थिंग, द वन थिंग दैट हेल्प, आई हैव गॉन थ्रू दिस, एंड टेल मी, लेट मी टेल यू वन थिंग, टू मेक श्योर दैट आई डोंट गो थ्रू दिस अगेन, द वन थिंग दैट आई डू इज टू बी एबल टू पुट एवरी डे, मिड वीक, वीकेंड, वंस इन अ फोर्टनाइट, once in a month and once in 3 month rewards. Once in 3 months I'm taking 4-5 days off with my friends from school and college and we're going out driving and doing whatever we love to do. Once in a month I'm going out with my family for a 2-3 day vacation. Once in a fortnight I'm going out with my friends for a movie late night so that next morning there's no work. Once in a week I'm spending a movie date with my wife and then coming back and spending time with the kids. Once in a day, I'm going for a forest walk like this to just spend time with myself. We need to build these regular reward systems that keep us happy, keep us excited, and understand that you need to take these regular short breaks. You all, including me, most people have waited to deserve those short walks and say, I don't deserve it right now. When I deserve it, then I'll go for the walk. Then I'll go for that time off. Then I'll take the weekend off. Let me tell you one thing. बर्नआउट इज नॉट अ गुड थिंग। आप किसी भी पाथ पे चल रहे हो जिंदगी में, अगर आप काम कर रहे हैं किसी और के लिए या काम कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, कोई भी चीज जो जिसे आप सक्सेस कहते हैं वो एक या दो दिन की जर्नी नहीं है। सक्सेस टेक्स टाइम, सक्सेस टेक्स एफर्ट, सक्सेस टेक्स लव, सक्सेस टेक्स रिवॉर्ड्स, सक्सेस टेक्स नॉट बर्निंग आउट, एंड फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जब हम ये बातें समझेंगे तब तक हम में से बहुत लोग बहुत बार बर्नआउट हो चुके होंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन रिवॉर्ड्स को बिल्ड कीजिए अपनी लाइफ के अंदर और बर्नआउट को अवॉइड कीजिए। काम कर रहे हैं ताकि ज़िंदगी और बेहतर जी सके, इसीलिए नहीं कि ज़िंदगी बद से बदतर हो जाए। ज़्यादातर लोग आज की डेट में हसल के नाम पे अपने आप को इतना मिक्सी में पीस रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो जा कर रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पीस रहे हैं, अंदर से सोचते हैं गिव अप कर जाए, फिर लगता है गिव अप करूंगा तो दुनिया क्या कहेगी, फिर एक और किताब पढ़ते हैं, थोड़ा जोश आता है, हर किताब में लिखा होता है गिव अप मत करना। अरे भाई, गिव अप नहीं करना, पॉज कर नहीं करेंगे अगर हम रेगुलर पॉजेज नहीं देंगे, रेगुलर रिवॉर्ड्स नहीं देंगे अपने आप को, तो एक दिन तो ऑटोमेटिक गिव अप हो जाएगा, या हेल्थ फिजिकल या हेल्थ मेंटल
या बस फिर कनेक्शन टूट जाएगा और कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं जोश के लिए, मोटिवेशन के लिए। कितनी मोटिवेशन चाहिए यार आपको? एक हद के बाद थोड़ी मोटिवेशन, थोड़ा काम और थोड़ा आराम। बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, इफ़ यू लव योर सेल्फ, लव वॉट यू डू, लव द जर्नी, लव द प्रोसेस, तो बस बात खत्म। डेस्टिनेशन तो कोई है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई सर्टिफिकेट दे देगा आपको 1 मिलियन फॉलोअर्स आने पर, या 100,000 फॉलोअर्स आने पर, या टॉप इन्फ्लुएंसर होने पर, या टॉप एंटरप्रेन्योर होने पर, या टॉप, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, हर सर्टिफिकेट के बाद एक और पड़ाव होगा, फिर एक और पड़ाव होगा। हर पड़ाव को चढ़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आती है, ऊर्जा जो आती है वो आती है एंथ्यूजियाज्म से, जोश से, हैप्पीनेस से। और जब तक वो हैप्पीनेस और एंथ्यूजियाज्म नहीं होगा, ये सारी सीढ़ियाँ आप नहीं चढ़ पाओगे। दुनिया के दिए हुए सर्टिफिकेट्स को लेने की कोशिश मत करो, आप अपने आप को खुद सर्टिफिकेट दो। बोलो आज मैं खुशी से जिया, आज मुझे बहुत मज़ा आया, थोड़ा काम भी किया, थोड़ा आराम भी किया, थोड़ा, तो देन यू विल हैव फन। यस, देर आर सम टाइम्स जिंदगी में आप मेडिकल का एग्जाम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का एग्जाम कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी, कोई भी आप जिंदगी में पढ़ाव चल रहे हैं, तो कुछ समय ऐसे होते हैं जब आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ी दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, बोर्ड्स का एग्जाम आ रहा है, ये सब आ रहा है। बट पूरी जिंदगी में मैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैसेज बना रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत लंबा बैटल है, हर साल तो कोई एग्जाम नहीं होने वाला। तो इसीलिए आपको, यस, आपको शुरू में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन शुरू में रिवॉर्ड्स ना रखना सबसे बड़ी गलती है। इनफैक्ट मुझे लगता है अगर कभी मैं कोई अपनी कॉन्फ्रेंस करूँगा तो उसका नाम ये रखूँगा, रिवॉर्ड्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम वो बात करेंगे जो रिलैक्सेशन वाली है, क्योंकि काम वाली कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत सारी हो रही है, तो रिलैक्सेशन वाली कॉन्फ्रेंस करते हैं। कितना रिलैक्स करूँ? जितना आपका मन करता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही यही है, डू वॉट मेक्स यू हैप्पी एंड आउटसोर्स वॉट यू फील इज स्ट्रेसफुल फॉर यू। डोंट वर्क विद द पीपल हु आर कॉजिंग एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम एंड लेट देम गो और यू लीव देयर सर्कल। ये सारी चीज़ें आपने बहुत बार सुनी है, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नहीं अपना पाते। आज मैं बेंजी के साथ वॉक पर आया था और सिर्फ बर्नआउट की बातें सोच रहा था, क्योंकि शायद कुछ हफ्ते पहले मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। उसके बाद मैंने बहुत सारी फॉरेस्ट वॉक्स करी, जिस तरीके से ये है, नेचर में गया, डॉग के साथ अपने वॉक करा, अपने आप से कुछ बातें करी, सोया बहुत ज़्यादा, और धीरे 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 वो बर्नआउट का प्रोसेस ख़त्म हो गया। लेकिन ये बार बार ना आए, इसके लिए मैंने अपने जो रिवॉर्ड्स को और फिल किया, और मैंने अपने सारे स्कूल के फ्रेंड्स को बुलाया और बोला चलो मिलते हैं। तो किस्मत ऐसी थी कि सारे पुराने स्कूल के फ्रेंड्स आए और हमने 5 दिन की छुट्टी ली, जिसमें हमने ड्राइव भी किया और बहुत जगह घूमे हम। एंड आई फील रिफ्रेश्ड, आई फील हैप्पी, आई फील लाइक गेटिंग बैक टू वर्क, आई फील लाइक ऑल द चैलेंजेस कम ऑन, लेट मी टेक केयर ऑफ़ यू। तो ये सब चीज़ें तब होती हैं जब वो रिवॉर्ड्स बिल्ट इन होते हैं। मेरे से एक बार गलती हो गई थी, मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी से वो गलती हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइफ इज़ प्रेशियस, यू आर प्रेशियस, यू आर लव्ड बाय सो मेनी पीपल। अपना ध्यान रखो, बाकी सब हो जाएगा। दुनिया जिंदगी जीने के लिए मिली है, कोई सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के लिए नहीं मिली है। ये सब हम सक्सेस को पता नहीं क्यों एक दूसरे को बेच रहे हैं। कौन सी सक्सेस यार? लोग रोज़ सुबह तो किसी ना किसी का कुछ ना कुछ न्यूज़ में पढ़ने को मिल जाता है, कोई 30 में, कोई 40 में, कोई 50 में, कोई 60 में। कौन से हम इतने लंबे प्लान बना रहे हैं? प्लान ज़रूर बनाओ, उस प्लान को रीच करने के लिए छोटे गोल ज़रूर बनाओ, उस गोल को रीच करने के लिए मिनी हैबिट्स ज़रूर इंस्टॉल करो, लेकिन उसके बीच में ये रियलाइज़ करो कि उसके बीच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ज़िंदगी साथ साथ एंजॉय करो, यही तो मज़ा है ज़िंदगी का, कि बहुत सीरियस गोल्स लेकिन नॉन सीरियस वे ऑफ लिविंग लाइफ। इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो ज़िंदगी को, बहुत मज़े से जियो, हैव फन, बिल्ड इन योर रिवॉर्ड्स एंड ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम द बर्नआउट दैट मोस्ट पीपल आर फेसिंग टुडे। आशा करता हूँ आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर इसमें कोई कॉमेंट है, मेरी तरफ से कोई गलती हो गई, या कोई चीज़ मैं ऐड कर सकता था, या आपका कोई चीज़ है जिससे मैं कुछ सीख सकता हूँ या हमारी ऑडियंस सीख सकती है, प्लीज़ कॉमेंट में डालिएगा, एंड वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, दिस इज अवि आर्या साइनिंग ऑफ एंड लुक फॉरवर्ड टू सींग योर कॉमेंट्स बिलो। बाय फॉर नाउ।